अभी भी जारी लॉकडाउन में आम लोगों को सब्जी की कमी ना हो, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखने की शर्त पर जिला प्रशासन ने थोक सब्जी मंडी में किसानों को सब्जियां बेचने की छूट दी है। लेकिन अब सब्जी मंडी के व्यापारी और किसान ही लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। व्यापारी ना तो खुद सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और ना ही आने वाले किसानों को इनकी पालना करने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना की महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना फिलहाल अनिवार्य है, लेकिन फिर भी थोक सब्जी मंडी में आने वाले व्यापारियों और किसानों ने मास्क नहीं लगाए। किसान भाइयों को मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया और ये एक समिति लगातार इस तरह के काम करती आ रही है, चाहे सैनिटाइजर वितरण का काम हो चाहे मास्क वितरण का हो, ताकि जो महामारी विश्वव्यापी कोरोना की जो फैल रही है उससे हम जितने अधिक लोगों को बचा सकें, सावधान कर सकें, सचेत कर सकें, उसके लिए हम ये जागरूकता का एक अभियान है और लोगों को एक संदेश भी जाता है कि इस तरह हम सावधानी बरतेंगे तभी इस बीमारी से हम बच पाएंगे।